नमस्कार सुप्रभात दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जो कि है दोस्तों यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड भर्ती 2023 से संबंधित है दोस्तों दोस्तों यह इस वैकेंसी की बात करें तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी दोस्तों काफ़ी अच्छा सुनहरा अवसर है, है दोस्तों इस वैकेंसी की, की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर मेरिट बेस सिलेक्शन होता है सेम इंडिया पोस्ट जी की जो भर्ती है दोस्तों उसमें मेरिट बेस जो सिलेक्शन होता है उसी प्रकार से इस भर्ती में भी सिलेक्शन होता है दिल्ली जर्ल बोर्ड भर्ती है ना तो इंडिया पोस्ट ऑफिस और इस भर्ती की अगर बात करें अंतर क्या है दोनों में इंडिया पोस्ट ऑफिस में जो है दोस्तों दसवीं के परसेंट के बेस पर सिलेक्शन होता है लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों इस वैकेंसी में अलग अलग पोस्ट है और उसमें पोस्ट में जो है बारहवीं पास और ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज होते हैं उस बेस पर मेरिट बनाई जाती है ना तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों खासकर उन लोगों के लिए जो लोग दोस्तों मतलब एग्ज़ाम दे देकर परेशान हो चुके हैं गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम दे देकर परेशान हो चुके हैं और दोस्तों फिजिकल मेरिट मेडिकल दे देकर परेशान हो चुके हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों जी हाँ जी हाँ दोस्तों इस वैकेंसी की अगर बात करें तो इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना है सिर्फ जो है आपके ट्वेल्थ या ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज होंगे उस पर मेरिट बनेंगे तो पहली चीज़ होगी इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है कोई भी फिजिकल नहीं है कोई भी मेडिकल नहीं है कोई झंझट है ही नहीं सिर्फ आपको फॉर्म फिलअप करना है अलग अलग पोस्ट के लिए बताने वाले हैं तो यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड भर्ती के अंतर्गत टोटल पोस्ट की अगर बात करें पाँच सौ तिरासी यहाँ पर पद है टोटल पद है ना दो प्रकार की वैकेंसी इसमें तो वैकेंसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर दस मार्च यानी कि आज लास्ट डेट है तो दोस्तों आज जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ पर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और किसी भी कैटेगरी वालों को यहाँ पर कोई भी फी नहीं लगने वाली है और दोस्तों यहाँ पर ना कोई डॉक्यूमेंट वेरीफेशन भी नहीं होता है अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी गलत भी डाल देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं होगा सिर्फ मेरिट बनेगी और जो है डायरेक्ट सिलेक्शन होगा ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल उठता है क्या यह जो है गवर्नमेंट वैकेंसी है या प्राइवेट है दोस्तों अगर दिल्ली जल बोर्ड की बात करें तो यह गवर्नमेंट संस्था है दिल्ली जल बोर्ड एक गवर्नमेंट बोर्ड है मतलब सरकारी विभाग है ठीक है लेकिन ये जो भर्ती है दोस्तों ये भर्ती गवर्नमेंट नहीं है मतलब आप इस वाली भर्ती में यानी कि जो भर्ती है दिल्ली जल बोर्ड जो इस भर्ती की हम बात कर रहे हैं इस भर्ती की में जो आप सिलेक्ट होंगे तो आप जो है गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं खिलाओ कहलाओगे आप परमानेंट नहीं होंगे उसमें आप जो है एक मतलब जो ठेकेदार होते हैं ना उस बेसिस पर काम करेंगे जो कि आपकी जॉब कहलाएगी प्राइवेट मतलब परमानेंट जॉब नहीं है दोस्तों भले ही यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड जो है गवर्नमेंट संस्था है गवर्नमेंट बोर्ड है पर इसकी जो भर्ती है ये वाली परमानेंट नहीं है लेकिन अच्छी खासी है आपको अगर आप यहाँ पर भर्ती होते हो तो आपको यहाँ पर निकाला नहीं जाएगा यदि आप अच्छे से काम करते हो तो ठीक है और यहाँ पर पे स्केल भी अच्छा दोस्तों लगभग गवर्नमेंट वैकेंसी मतलब गवर्नमेंट जॉब जो जो देती है ना मतलब इंडिया पोस्ट ऑफिस की बात करें इसमें जो पे स्केल मिलता है उससे भी ज़्यादा इसमें पे स्केल है आपको बताते हैं अभी पे स्केल के बारे में बताएंगे तो आप जो है भर सकते हैं यदि आपको अर्जेंट जॉब की नीड है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं ना दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी करना है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ठीक है तो ये बात हो गई दिल्ली जल बोर्ड जो कि सरकारी संस्था है पर यह जो भर्ती है यह परमानेंट नहीं है ये इसमें जो है एम्प्लॉय जो है परमानेंट नहीं प्राइवेट कहलाएंगे जो कि ठेकेदार के अंडर में काम करेंगे ठीक है जो ठेकेदार होंगे उनके अंडर में काम करेंगे ठीक है अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे दोस्तों क्वालिफिकेशन देख लेते हैं यहाँ पे दो प्रकार की भर्ती है इसमें पाँच सौ तिरासी पद में मीटर रीडर की है और फील्ड सुपरवाइज़र की है ना मीटर रीडर यानी कि ट्वेल्थ पास इसमें लगने वाला है यदि आप ट्वेल्थ पास है काफ़ी अच्छे परसेंटेज है यहाँ पर परसेंटेज बेस पर ही मैरिज मैरिड बनेगी है ना तो मीटर रीडर की अगर पोस्ट में आप अप्लाई करते हैं तो बारहवीं पास होना आवश्यक है इसमें पोस्ट है दोस्तों चार सौ छियासी पद है मीटर रीडर की मीटर रीडर रीडर का, का काम क्या होता है दोस्तों घर घर में जो पानी जाता है नल के द्वारा जल जो जाता है उसमें जो है मीटर होगा उसकी रीडिंग आपको लेना है और मंथली आपको उनके घर पर जो है जल का जो है बिल पहुंचाना है ठीक है तो ये मीटर रीडर का काम हो गया चार पद है इसमें ट्वेल्थ पास है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं आपके अच्छे परसेंटेज है तो यदि आपका नेम शॉर्ट होता है तो आपका जो है इस पोस्ट के लिए यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा और कोई भी एग्जाम नहीं देना है आपको ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना और कुछ यहाँ पर नहीं होने वाला है ठीक है सेकेंड पोस्ट है यहाँ पर फील्ड सुपरवाइजर की दोस्तों पोस्ट की बात करेंगे नाइन्टी सेवन पद है इसमें और यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है इसमें भी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा परसेंटेज मांगे जाएंगे ठीक है यदि आप ग्रेजुएशन पास है तो आप इस पद पर अप्लाई कर सकते हैं ठीक है यदि ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो फील्ड सुपरवाइज़र का क्या है दोस्तों काम फील्ड सुपरवाइजर का, का काम बता देते हैं यदि कहीं पाइपलाइन में जो है क्रैक आती है मतलब कहीं पर पाइपलाइन लीक हो जाती है तो उसको जो है आपको सुपरवाइजिंग uh, करके उसे देख कर जो है ठीक करवाना होगा तो ये आपका काम होता है ना अब पे स्केल की बात करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर एज की बात करेंगे दोनों पद के लिए एज यहाँ पर अलग अलग है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम मीटर रीडर की बात करें दोस्तों मीटर रीडर में यहाँ पर पे स्केल देखिएगा पे इसके लिए मिनिमम मिनिमम कितना मिलेगा आपको ज्वाइनिंग के बाद ही बीस हजार तीन सौ सत्तावन रुपये समथिंग यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग के बाद से ही मिलना चालू जाएंगे फर्स्ट मंथ से ठीक है यहाँ पर इसमें एज एज की अगर बात करें एज की अगर बात करें अठारह से तीस वर्ष इसमें आयु है ठीक है अब यहाँ पर सेकंड पोस्ट है अपनी कौन सी फील्ड सुपरवाइज़र इसमें कम पद है लेकिन 97 पद है लेकिन इसका पे स्केल ज़्यादा है इससे दो हज़ार रुपये ज़्यादा है इसका दो से ढाई हज़ार रुपये इसका पे स्केल है दोस्तों बाईस हज़ार एक सौ पैंतालीस है या छियालीस रुपये है ये तो ये हो गया इसमें जो है इनका काम भी बता दिया मैंने मीटर रीडर फील्ड सुपरवाइज़र का इसमें एज थोड़ी डिफरेंट है इसमें एज की अगर बात करें ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है तो इसमें एज की छूट ज़्यादा रखी गई है अठारह से पैंतीस वर्ष ठीक है और ये मैंने डाउट क्लियर कर दिया कि परमानेंट भर्ती नहीं है आपको ठेकेदार के अंडर में काम करना है लेकिन ये जो हो गई गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है ठीक है तो अभी तक के लिए इतना ही मिलते एक और नई वीडियो में